हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, माय डियर पेरेंट्स, आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर आप देखा करिए, और कभी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है तो वीडियो के एंड में देती हूँ वो। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है जिस पर कि हम बात करेंगे वो है कि हमें जो बच्चों की फीडिंग बॉटल होती है उसको कितने टाइम हमें चेंज कर देना चाहिए, मींस कितने मंथ बाद हमें उसको चेंज कर देना चाहिए, तो इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। तो माय डियर मॉम्स, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चों की जो बॉटल होती है जिसको आप बच्चों को फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसको केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो बच्चे स्टार्टिंग से, जैसे मैं 0 से 6 मंथ तक की बेबी के लिए बोलूँगी कि उनको आप अगर फीडिंग बॉटल दे रही हो तो आप जो बॉटल को आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉटल पे कहीं कोई स्क्रैच पड़ गया है या कहीं से टूट फूट गई है या कहीं से कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस सिचुएशन में आप बॉटल को चेंज कर सकती हैं, अदरवाइज़ आपको बॉटल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी जो निप्पल होती है उसको आपको बेहद ज़रूरी है उसको चेंज करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं को उसको बहुत जल्दी उसे ख़राब कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप टूटी फूटी या कटी फटी निप्पल यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चों के लिए डेंजरस है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं कि मसूड़ों से जब उनके दांत निकलने वाले होते हैं और 5वें 6वें महीने से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उनके मसूड़े फूलने लगते हैं तो वो हर चीज़ को च्युइंग करने लगते हैं। ठीक है, तो वो मसूड़ों से उसे काट काट के ख़राब कर देते हैं, है ना, कहीं से कट जाती है, फट जाती है या उसका छेद प्रॉपर नहीं रहता। अगर बच्चे का जो निप्पल का जो बॉटल का छेद है वो काफ़ी बड़ा हो गया है ना, तो उसमें से क्या होगा, या तो बहुत एक्सेस में दूध निकल जाएगा जो बच्चे एकदम उसको सक भी नहीं कर पाएगा और बच्चे को ठसका लग सकता है। ठीक है, या बच्चे ने कहीं कट कर दिए बॉटल तो कई जगह से दूध निकलना स्टार्ट हो जाएगा निप्पल में से। आप देखोगे कहीं छह छोटे छोटे छेद उसने कर दिए चबा चबा के तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और उस सिचुएशन में तो जो निप्पल जो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है जब बच्चे के दांत हल्के हल्के निकल आते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी निप्पल को ख़राब कर देती हैं। तो आपको सही टाइम बताऊं तो आपको हर 3rd मंथ में आपको निप्पल चेंज कर देनी है। ठीक है, हर 3rd महीने में आप निप्पल चेंज कर दीजिए, वो ख़राब हो जाती है उसको बिल्कुल आप हटा दीजिए। बॉटल का ऐसा है कि बॉटल आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा है तो आप 6 महीने बाद या फिर साल भर आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कहीं से टूटी फूटी बॉटल नहीं है, कहीं से स्क्रैच नहीं पड़ा या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से बॉटल वो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। निकल निप्पल को आप हर 3rd महीने बाद आप निप्पल चेंज कर दें और बढ़िया क्वालिटी की सिलिकॉन वाली निप्पल ही यूज़ करें। ठीक है, फीडिंग बॉटल के ऊपर अगर आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके मैंने उस पर आपको बताई हुई है कि कौन सी बॉटल यूज़ करें, कौन सी बॉटल अच्छी रहती है, अच्छी क्वालिटी की है, तो उसके ऊपर मैंने एक अच्छी वीडियो बना रखी हुई है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे उसको कट कट कर देते हैं या फिर उसको मैं बड़ा छेद कर देते हैं, जगह जगह से कुतर देते हैं, तो वो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, डेंजरस है। तो प्लीज़ आप बच्चे को जो निप्पल है उसको आप ज़रूर चेंज करें। अब आते हैं बड़े बच्चे के लिए, कि बड़े बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बड़े बच्चे बहुत जल्दी बॉटल की निप्पल ख़राब करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसा करते हैं, तो आप बराबर निप्पल को चेक करती रहें कि कहीं बच्चे ने इसमें छेद ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर दिया। कि पर्सनली मेरी बेटी ने क्या करा था, अभी जब उसके दांत निकल आए थे तो उसने जहाँ पर मेन होल होता वहीं पर उसने उसको काट लिया। ठीक है, और काफ़ी बड़ा उसमें वो होल हो गया। तो क्या होता था, जब वो दूध पीती थी तो दूध पीते पीते एकदम उसको ठसका लगने लग जाता था, एकदम बुरी तरीके से उसको खांसी होती थी और पूरा दूध बाहर निकल जाता उसका।
तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है निप्पल में कि बच्चे ने ऐसा कर दिया है, तो आप इमिडिएटली बच्चे की निप्पल को चेंज कर दें, क्योंकि जब जैसे ही बच्चे का टीथिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है वो बहुत जल्दी जल्दी निप्पल ख़राब करती हैं। ठीक है, तो आप घर में ही कम 5-6 इकट्ठी पहले से बैकअप में रखें, ताकि आपको इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो आप यूज कर सकती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि हर 3 महीने बाद आपको बेबी की निप्पल चेंज करनी है। ठीक है, बोतल आप आराम से 6 महीने या 1 साल तक सेम बोतल यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप भले ही चेंज कर दें, लेकिन अच्छी क्वालिटी की पिजन की है, एवेंट की हैं, फ़िलिप्स की हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको आप आराम से यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि बोतल का यूज़ हमें ज़्यादा करना ही नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को स्पून से या कटोरी से चम्मच से दूध पिलाएं, और 2 साल बाद या 1.5 या 2 साल बाद तो मैं आपको बिल्कुल मना करूँगी कि बोतल आप बच्चे को बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, 1.5 या 2 साल बाद तो आप बिल्कुल बंद कर दें। तो इस तरीके से आप बच्चे की जो निप्पल का आप ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखें सिलिकॉन की अच्छी क्वालिटी की ही आप ब्रांडेड निप्पल यूज़ करें। ठीक है, जिससे बच्चे की हेल्थ पे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जो मेन जो बॉटल का जो पार्ट होता है वो निप्पल होती है। अगर आप उसकी ठीक से सफाई नहीं करेंगे या उस पर ध्यान नहीं रखेंगे उसका, तो बच्चे के लिए वो सबसे ज़्यादा हार्म कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 साल बाद आपको बच्चों को बॉटल नहीं देनी है, और हर 3 महीने बाद आप निप्पल चेंज कर सकती हैं, और बॉटल आप 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने तक उसी बॉटल को रिपीट कर सकती हैं, अगर बेस्ट क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की है तो। ठीक है, तो माय डियर मॉम्स, बस इस वीडियो में आज इतना सा ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।